आज गुड फ्राइडे है और 9 अप्रैल यानी कि आने वाले संडे को ईस्टर संडे। ये दो दिन प्रभु यीशु से संबंधित है। गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया था और इसी फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को प्रभु यीशु फिर से जीवित हो गए थे। इस कारण गुड फ्राइडे के बाद संडे को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। प्रभु यीशु से जुड़े हुए कई ऐसे किस्से हैं जिनकी मदद से हम सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। प्रभु यीशु से सीखने के लिए अनगिनत बातें हैं, लेकिन अभी हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। इसको एक किस्से के माध्यम से जानते हैं। एक बार प्रभु यीशु बहुत ही बुरे लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखकर प्रभु यीशु के शिष्य और अन्य लोग बहुत नाराज हो गए। खाना खाने के बाद उनके शिष्य और अन्य लोग प्रभु यीशु के पास गए और नाराजगी जताते हुए पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? वे लोग बहुत बुरे हैं, आपने उनके साथ बैठकर खाना क्यों खाया? तब प्रभु यीशु ने शिष्यों के सवालों पर उनसे ही पूछा कि तुम लोग एक बात बताओ, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति में से सबसे ज्यादा वैद्य की जरूरत किसको पड़ती है? तब शिष्यों ने तुरंत जवाब दिया कि बीमार व्यक्ति को वैद्य की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। तब प्रभु यीशु बोले कि तुम लोग ने सही जवाब दिया और मैं भी एक वैद्य की तरह ही हूँ। बुरे लोग बीमार की तरह, उन लोगों की बीमारी दूर करने के लिए ही मैं उनके साथ बैठकर खाना खाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, जिससे बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छे इंसान बन सके। दोस्तों, इस छोटे सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक बार प्रभु यीशु ने एक गडरिये को देखा। उसने अपनी सबसे छोटी भेड़ को कंधे पर उठाया हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने भेड़ को कंधे से उतारा, उसे नहलाया, उसके बालों को सुखाया, फिर उसे हरी घास खिलाई। यह देखने के बाद प्रभु यीशु उस गडरिये के पास गए और उनसे पूछा कि तुम इस छोटी सी भेड़ का इतना ज्यादा देखभाल क्यों कर रहे हो? तब गडरिये ने कहा, जब भी मैं इस छोटी भेड़ को छोड़ता हूँ, तब यह भागकर जंगल की ओर चली जाती है, फिर रास्ता भटक जाती है। इस कारण मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, ताकि ये मेरे पास ही रहे, मेरे साथ रहे। अगर इसको मेरे साथ अच्छा लगेगा तो ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यह बात सुनकर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि इनकी बात में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। हमेशा ध्यान रखें कि जो लोग भटके हुए हैं, हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बुराइयों में फंसे हुए लोगों को सही राह पर लाने के लिए अगर उन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो बुराई छोड़कर वे अच्छाई के रास्ते पर आ सकेंगे। इसीलिए हमें भटके हुए लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।